अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन जयपुर, मंगल आरती सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर भरतपुर राजस्थान। अर्थ के प्रकाशी महावेदिक रूप धारी है, तिनको स्वरूप जान राखते भई जो गंभी, काय को नवाई स्तुति को जारी है, धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भय, कर जोड़ वार वार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रुघ्न चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से आठवां लंब हमने यहाँ प्रारंभ किया था। एक अपरिचित महिला जीवंधर कुमार के समीप आ गई और मुस्कुराने लगी, अपने हाव भाव व्यक्त करने लगी। जीवंधर कुमार ने उससे पूछा, यह आपके यहाँ आने का क्या कारण है, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखिए, अचानक जब किसी को ऐसे देखा जाता है तो सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर आपका कैसे आना हुआ, और वो तो अपरिचित थी, आप यहाँ कैसे आए? अनेक बार ऐसा नहीं होता है, वे अनजान व्यक्ति अपने जिन मंदिर में आते हैं और यहाँ आकर के देखने लगे इधर उधर कुछ, तो आपको भी ऐसा भाव आता है, आप कहाँ से पता लें? सहज ही पूछ लेते हैं, पर आप कहीं बाहर से आए हैं क्या, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ ठहरे हैं? मैंने कुछ न कुछ बात करने की इच्छा मन में होती ही होती है। देखिए क्या जवाब दिया अपरिचित महिला का उत्तर, 6 नंबर का श्लोक है, 372 नंबर पेज है ना। मैंने वो अचानक आ गई थी अपरिचित महिला, इन्होंने बातचीत वार्तालाप शुरू हुआ और महिला ने क्या जवाब दिया, अत्र चायुधशालायां चैक देवा विशेषतः स्वामिन् स्वामिन् मद्राक्ष नित्य सौ प्रत्यभाषक। उस स्त्री ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया कि हे स्वामी जीवंधर कुमार, यहाँ राजभवन में और आयुधशाला में एक ही समय में आपको एक रूप से देखा है। क्या क्या समझ में आया, क्या कहा है मैंने, वापस पढ़ो। उस स्त्री ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे स्वामी जीवंधर कुमार, यहाँ राजभवन में और आयुधशाला में एक ही समय में आपको एक रूप में देखा है। कुछ बात कहना चाह रही है, देखो आप, हे जीवंधर कुमार, आपको एक ही काल में यहाँ राजभवन में और यहाँ आयुधशाला में देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है, इसका क्या कारण है? मैं यही जानने के लिए आपके पास आई हूँ, कृपया इस विषय को स्पष्ट करने का कष्ट करें। या तो ये मायाचारी कर रही है, छल कर रही है,
ये कह रही है कि मैंने आपको वहाँ भी देखा, आप यहाँ कैसे, मतलब ये ऐसी बात है, आप तो वहाँ थे राजभवन में थे, आप आयोगशाला में, डबल रोल तो नहीं है कुछ, क्या चक्कर है, आपको तो वहाँ देखा था, यहाँ देख कर सहजी ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। देखिए महिला से उत्तर सुनकर जीवंदर कुमार को आश्चर्य, अतिमात्रम पवित्रोयम चित्रियत तत्श्रुते अयुक्तम खलु दृष्टम वाश्रुतम वास्मयावहम। पवित्र जीवंदर कुमार उसकी बात सुनने से अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुए। निश्चय से देखी हुई अथवा सुनी हुई अनहोनी बात आश्चर्य करने वाली होती है, या तो अनहोनी बात दिख जाए हमारे को, या फिर अनहोनी बात सुनने में आ जाए तो आश्चर्य होता ही है। मैंने आश्चर्य का कारण इन्होंने यहाँ बतला दिया। नीतिकार कह रहे हैं किस चीज़ में विस्मय होता है, विस्मय आव हम, हमको जो विस्मय है वो किस वजह से है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया। तो अनहोनी सी बात जहाँ लगे आपको, ऐसे लगे उनका मरण हो गया, किस, अरे वो तो अभी तो आए थे, आधे घंटे पहले तो मिले थे मेरे से, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो आपको आश्चर्य कैसे लग रहा है, आपको वो बात ऐसी लग रही है जैसे अनहोनी सी हो, अनहोनी सी बात देखने में आ जाए, आपको एकदम ऐसा लगे कि ये कुर्सी पर बैठे बैठे उड़ने लगे, तो एकदम लगे कैसे हो गया, आश्चर्य लगेगा आपको ये क्या हुआ अचानक, क्योंकि आपको उस बात के ऊपर भरोसा नहीं है ये आदमी बैठे बैठे उड़ सकते हैं। तो अनहोनी सी दिखती है बात, अभी हम आपको कहें तो आपको लगेगा ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे होता है क्या यार, कोई व्यक्ति अपने सर के बल चलने लगे उल्टा होकर के, पैर ऊपर और सर नीचे रख करके ऐसे चलने लगे, कोई बिना बिना आंखों के और दौड़ने लगे, या उल्टे पांव दौड़ने लगे, मुंह है इधर और दौड़ रहा है पीछे, और मेन रोड पे दौड़ रहा है, ट्रैफिक भरी जगह पे दौड़ रहा है, आपको लगेगा आश्चर्य यार कैसी बात कर रहे हो आप। जो बातें आपको अनहोनी दिखती है उन बातों को सुनने में भी आश्चर्य होता है, उन बातों को देखने में भी आश्चर्य होता है। देखिए सरला उस स्त्री से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर पवित्र एवं विचारवंत जीवंदर कुमार को अतिशय आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मनुष्य अनहोनी असंभव जैसी वस्तु को देखता है या सुनता है तब उसे आश्चर्य होता ही है। देखिए जगत में कुछ भी काम अनहोना होता नहीं है, हाँ है ना, उनका भवीय भगवती दास जी की पंक्तियाँ है ना, जिसमें वो कहते हैं अनहोनी काहू नहीं होसी काहे होत अधीरारे, सुनिए आपने, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरारे, अनहोनी या अन देखी काहू नहीं होसी काहे होत अधीरारे। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी हो ही नहीं सकता जो अनहोना हो। अनहोनी घटना घट गई, अरे जब घट गई तो अनहोनी का क्या सवाल है, हो ही नहीं ना, हो तो जो ना हो सके। आप जानते हैं अनहोनी बातें क्या हो सकती है, अनहोनी बात यह हो सकती है कि ये चेतन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता, आप वो चेतन अचेतन हो गया ये अनहोनी बात है, लोक का पदार्थ अलोक में चला गया ये अनहोनी बात है, जो हो नहीं सकता, जो जो कार्य त्रिकाल में संभव ना हो उस कार्य को कहते हैं अनहोनी बात। कालाणु जो था वो परमाणु में बदल गया, पुद्गल परमाणु में, ये अनहोनी बात है। लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसी बात है। वास्तव में जनागम तो यही कह रहा है ये अनहोनी है, ये बात हो नहीं सकती,
ऐसी बात संभव नहीं दिख रही है। और लगाओ आप इस तरह की कितनी बातें लगा सकते हो, जो बातें वास्तव में संभव नहीं हो। वस्तु स्वरूप के विपरीत बात ही अनहोनी होती है, बाकी जगत में अनहोनी हो ही नहीं सकती। उसे अनहोनी क्यों कहा, क्योंकि वो कभी होगी नहीं। अभवी जीव मोक्ष चला जाए, ये अनहोनी बात है, जा ही नहीं सकता, अनहोनी बात है, समझ रहे हैं ना आप, होगी नहीं कभी। अनहोनी हो गई ऐसा नहीं होता, होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य हो नहीं सकता। लेकिन इन्होंने यहां एक शब्द दिया है, अनहोनी सी दिखने वाली असंभव जैसी वस्तु को, असंभव नहीं असंभव जैसी, असंभव लगने वाली, असंभव प्रतीत होने वाली। आपको लगता तो है कि असंभव है, लेकिन असंभव प्रतीत हो रहा है, आश्चर्य होता है हमारे को ये सब देख करके। जितने लोग जादू दिखाते हैं ना, नजर बंद करते हैं, मैजिक शो जितने चलते हैं, उन सब में हमारा ओह ये क्या हो गया, आश्चर्य दिखता है हमारे को। ये जो आपको आश्चर्य दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आश्चर्य है, अनहोनी सा लग रहा था, अनहोना नहीं है उसमें कुछ भी। हम आपसे पूछते हैं, वो जो दिखाने वाला व्यक्ति है उससे पूछो तो वो क्या कहेगा, हमें पता है क्या दिखेगा, हमें पता है हम क्या दिखाने वाले हैं, हमें पता है हम कैसे दिखाने वाले हैं, हमारे को मालूम है कि इसमें हमने क्या कलाकारी की है, सब जानते हैं उस बात। देखिए अनहोनी असंभव जैसी देखता सुनता है, आश्चर्य होता है। जीवनधर कुमार को भी आश्चर्य हुआ, मैं यहाँ हूँ ये कह रही है आपको राजमहल में देखा है, ये दो बातें कैसे हो सकती है। जीवनधर कुमार की मनस्थिति, 8 नंबर श्लोक देखिए, नंदाढ्य किमिहायात इत्ययम् पुनरोहत संसार विषये सद्य स्वतो ही मनसो गति। अब ये सोच रहा है ऐसा कि भाई मैं तो नहीं था, हो सकता है नंदाढ्य आ गया हो। नंदाढ्य कौन था, गंधोत्कट का बेटा, सेठ गंधोत्कट, जिसने जीवनधर कुमार को शमशान से ला करके लालन पालन किया था, और जिसे मुनिराज ने यह कहा था कि उस बच्चे को यदि तुम शमशान से लाओगे तो बाद में होने वाली संतान तुम्हारी जीवित रहेगी, ऐसा कहा था। तो जो बाद में जो संतान जीवित रही वो इस जीवनधर कुमार का छोटा भाई है नंदाढ्य, भाई है एक, ऐसा मन में आया है ऐसा नंदाढ्य है, किम ही आह आया तो, क्या कह रहे हैं यहाँ, नंदाढ्य मानो आ गया हो, किम इह आयात, क्या यहाँ आ गया है। नीचे देखो अन्वयार, फिर इन जीवनधर कुमार ने, क्या यहाँ मेरा छोटा भाई नंदाढ्य आ गया है, इस प्रकार विचार किया। निश्चय से संसार के विषयों में मन की प्रवृत्ति शीघ्र अपने आप हो जाती है। लौकिक में ये सब बातें देखी जाती है, मन इतना चंचल है अपने आप ही विचार बनाने लगता है, हो सकता है ऐसा हो गया हो, वो भी मेरे जैसा दिखता है, वो समझ लिया होगा, वो आ गया होगा, एक को भ्रम हो गया होगा, कितनी तरह की बातें हो सकती है। सरल अर्थ, वहां मेरा छोटा भाई नंदाढ्य अवश्य आया होगा, ऐसा विचार उसी क्षण जीवनधर कुमार के मन में आया, क्योंकि मन की प्रवृत्ति संसार के विषयों में अति शीघ्र और स्वयमेव ही होती है। संसार के विषय मन में इसी तरह की प्रवृत्तियां चलती रहती है, कोई बात सुनकर के आपके मन में कितने तरह के विचार आते हैं, और विचार तो आएंगे ही, मन का काम ही विचार करना है, कभी कुछ और कभी कुछ, विचार स्वयमेव आ ही जाया करते हैं। विशेषार्थ, आगंतुक स्त्री का यह कथन सुनकर कि मैं आपको यहाँ राजभवन में और आयुक्त चाला में
एक ही समय में देख रही हूँ, मैंने अभी उधर भी थे और अभी इधर भी हो। जीवंदर कुमार चंचल चित्त हो गए और अपने भाई नंदाडे के आगमन की संभावना पर विचार करने लगे। यहाँ हमें यह विचारना चाहिए कि नंदाडे और जीवंदर कुमार जुड़वा भाई तो है नहीं, सगे भाई भी नहीं, चचेरे भाई भी नहीं, मौसेरे भाई भी नहीं, इतना ही नहीं ये परस्पर जाति भाई भी नहीं है। किसने तरह के भाई बतला दिए, यहाँ सगे भाई तो है ही नहीं, दोनों हम जानते हैं सारी घटना बतला दिए भी आपको, चचेरे भाई भी नहीं है, वो उनके चाचा थोड़ी ना लगते थे, तो मौसी के बेटे तो होंगे वो भी नहीं थे, तो जाति तो एक ही होगी, वो तो क्षत्रिय राजपूत और ये बनिया, जाति भी अलग अलग है। जीवंदर कुमार तो राजपुत्र थे, क्षत्रिय थे, राजा सत्येंद्र के बेटे थे और ये सेठ का बेटा है, क्योंकि जीवंदर कुमार क्षत्रिय पुत्र हुए हैं और नंदाड्य वैश्य पुत्र हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार तरह के विभाजन किए ना कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है मनुष्यों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये वैश्य थे, ब्राह्मण कौन जो ब्रह्म का स्मरण करने वाले हों, विद्वत वर्ग हों, ज्ञानी हों, आत्मा की आराधना करने वाले हों, पूजन पाठ कराने वाले हों, ब्रह्म की चर्चा करने वाले ब्राह्मण, और शत्रुओं से युद्ध करने वाले क्षत्रिय, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले वो क्षत्रिय, सिपाही हों, राजघराने से हों वो सब क्षत्रिय हैं। वैश्य माने व्यापारी वर्ग, और क्षुद्र माने अछूत, सफाई आदि की व्यवस्थाएं देखने वाले, हीन जाति कुल वाले, इनका नगर में तक प्रवेश नहीं होता। तो ये चार तरह के भेद किए हैं माने, और कभी कभी तो ऐसे तक कथन हमने पढ़े हैं कि ये सब कर्म की दृष्टि से यद्यपि जातिगत भेद तो किए हैं लेकिन एक ही व्यक्ति में ये चारों बातें भी कभी कभी घटित कर देते हैं। वो कैसे घटित करते हैं कि सुबह उठते ही पहले शूद्र जैसा है, बिना नहाए हुए छू नहीं सकता है, फिर नहा धो करके तैयार होकर के जब मंदिर आ गया तो ब्राह्मण हो गया, क्या मंदिर में पूजन पाठ करने लगा तो, और जब यहाँ से निकल करके दुकान पर चला गया तो व्यापारी वैश्य हो गया, और दुकान पर ही लेन देन करते हुए ग्राहकों से कभी किसी प्रसंग में एकदम झगड़ा आ गया, झगड़ा हो गया, तेजी में आ गया तो इसका क्षत्रियत्व जागृत हो गया, क्या। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बात भी कहीं कहीं किसी अपेक्षा से कही गई है, लेकिन ये तो मूल में इस तरह के चार बंटवारे माने कुल अपेक्षा से किए गए हैं। दोनों में इतना अंतर होने पर भी देखने वाले को एक जैसे ही भाषित होना महान आश्चर्य की बात है। इस शारीरिक समानता में नामकरण के उदय का आश्चर्यजनक स्वरूप हमारी समझ में आता है। ये बहुत सुंदर बात कह दी इन्होंने। नामकरण के लिए शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल दिए हैं, क्या एग्जाम्पल, चित्रकार, एक एक कर्म के लिए एक एक उदाहरण दिए ना, नामकरण के लिए चित्रकार का उदाहरण दिया गया। चित्रकार क्या होता है, आपका चित्र बनाया बहुत सुंदर दिखा, उसने कहा यार एक काम करो, ये एक तो बना दिया है तो एक तो मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा और एक मुझे अपने हॉल में भी लगाना है, ऐसा का ऐसा ही एक और बना दो, क्या हो सकता है, नहीं बना सकता। वही पेंटर, वही चित्रकार, उसी का हाथ, वही बनाने वाला, डुप्लीकेट नहीं बना सकता है, वैसा का वैसा नहीं बनेगा। इसी कारण से आपने वो पहेलियाँ जो पहले आया करती थी, किसमें दो चित्र आते थे, इनमें गलतियाँ ढूंढो, अंतर ढूंढो, ये चंपक वगैरह और ऐसी ऐसी जो आती थी,
चंपक नंदन इस तरह के उनमें दो चित्र दिए हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें गलतियाँ ढूंढो। गलतियाँ मतलब समा मतलब क्या चीज़ अंतर है, कहाँ गलती रह गई है, कहाँ चूक रह गई है, उसे ढूंढो और 10 गलतियाँ निकालनी पड़ती रह गई है इसमें से। ऐसे ही ये नामकर्म जो ऐसा चित्रकार है, इसे चित्रकार इसीलिए कहा गया है, हूबहू अंग हैं, आपके भी दो आंख हैं, हमारे भी दो आंख हैं, लेकिन दोनों की आंखों में इतना अंतर होगा कि आंखें देख करके पहचान लेवे कि ये किसकी आंखें। कभी कभी इस तरह के भी आते हैं ना, आंखें देख करके पहचान ये कौन से एक्टर की है। हाँ, अमिताभ बच्चन की है कि शाहरुख खान की है, और आप पहचान भी लेते। दो आंखें हैं, नाक है, कान है, वही है, लेकिन उसके बावजूद भी सबका चेहरा अलग है। बोलो क्या क्या फर्क है। बोले ये तो नामकर्म की विचित्रता है, इसलिए दो व्यक्तियों में समानता होना दिखता ही नहीं है। हाँ, दोनों जुड़वा भाई हो, क्या एक ही समय में बने हो, एक ही माँ के पेट में जन्मे हो एक साथ ही, तो बहुत हद तक उनकी शक्ल एक जैसी दिखती है। लेकिन जिस तरह से आपकी हमारी शक्ल में भिन्नता दिखती है, ऐसी ही भिन्नता जीवंदर कुमार और नंदाड्य इन दोनों में दिख रही है। ये बारीक बात ये विशेषार्थ में कह रहे हैं, तो इसलिए आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं यहाँ हूँ, मेरे को वहाँ देख लिया है। विकल्प तो आया उनको कि नंदाड्य हो सकता है, लेकिन विचारणीय बात यह है कि वो हो नहीं सकता। ये पूछ रहे हैं स्त्री आई थी, नंदाड्य कहाँ से आ गया। आप ऐसा है, उस स्त्री ने आकर के ये कहा कि आप यहाँ हो, मैंने आपको राजमहल में भी देखा है। तो जीवंदर कुमार ये सोच रहे हैं कि ये कह रही है देखा है, तो मैं तो यहाँ हूँ, तो वहाँ किसको देखा, तो हो सकता है वो नंदाड्य आया हो। भाई है ना, उसको देख लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए जीवंदर कुमार का आयुधशाला की ओर गमन, अब उल्टा लगा लो ऐसा, जब ये अपन ने बात कही जीवंदर कुमार राजमहल में थे और इसने आकर के कहा कि आपका आयुधशाला में देख लें, ऐसा। तो अब जीवंदर कुमार को विकल्प आया कि किसको देखा है, चलो देखते हैं। आयुधशाला की ओर उन्होंने गमन किया, मन में संकल्प विकल्प विचार चल रहे थे कि मेरा भाई हो सकता है। प्रागेव तन्मनोवृत्त प्रययौ तत्र तत्पुन तत्वपुः आस्थायां हि विना यत्नमस्ति वाक्काय चेष्टितम्। उस आयुधशाला में उन जीवंदर कुमार का शरीर उनके मन के व्यापार से पहले ही नंदाड्य के कारण पहुंच गया। क्या क्या था, देखो ये कह रहे हैं कि आपके शरीर से पहले आपका मन पहुंच जाता है। मन की गति शरीर की गति से बहुत तेज है, अकेले शरीर की गति से ही क्यों, दुनिया में जितने गतिमान दिखाई देते हैं उनमें सर्वाधिक गति यदि किसी की है तो वो है मन। मन से ज़्यादा फास्ट, मन से ज़्यादा तीव्र गति वाला दूसरा कोई नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे सेकंडों के बहुत छोटे हिस्से में शिखर जी जाके आ सकते हो। जाके क्या आ सकते हो, जाके आ भी तो गए। माने जाने की क्या बात है, अभी आपको इंद्रगढ़ जाने की बात कहे तो कितना टाइम लगेगा। क्या बोलो राजेश, जाके भी आ गए, कितना फास्ट दौड़ता है मन। तो ये शरीर तो जीवंदर कुमार का चल रहा है आयुधशाला की तरफ, लेकिन मन उनका आयुधशाला में पहले ही पहुंच गया।
देखिए, निश्चय से वस्तु की आस्था रहने पर बिना यत्न के भी वचन और शरीर की चेष्टा हो जाती, आस्था से भरोसे से भी। तो सर्वार्थ, भाई नंदाड्य के आगमन की संभावना के कारण जीवंदर कुमार का शरीर उनके मन के पहले ही आयुच्यावा में पहुंच गया, क्योंकि आंतरिक प्रेम होने पर प्रयत्न किए बिना ही वचन और शरीर की प्रवृत्ति होती है। अब देखो, आंतरिक प्रेम था छोटे भाई से, आवाज मात्र लगा कि भाई आया है, और इतने में ही चेहरा खिल गया। बोलो बोलो, कैसे होता है? आपका बेटा बाहर पढ़ रहा हो, मान लो बेंगलोर पढ़ रहा है, पूना पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, उसके आने की कोई संभावना नहीं थी, और अचानक खबर मिली बाहर आया है, आ गया है क्या, आज आपका बर्थडे है मान लो, और एकदम खबर मिली कि बेटा आ गया लंदन से, एकदम दौड़ता है गेट की तरफ, ऐसा आश्चर्य लगता है, वो आ भी सकता है सरप्राइज देने के लिए, कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह दिखता है। तो बहुत लंबे समय से ये अपने भाई से मिला नहीं, नंदाड्य से, और प्रीति बहुत थी। भाई के आगमन की संभावना के कारण जीवंदर कुमार का शरीर उनके मन के पहले ही आयुधशाला में पहुंच गया। ये क्या कह रहे हैं ये? क्योंकि आंतरिक प्रेम होने पर प्रयत्न किए बिना ही वचन और शरीर की प्रवृत्ति होती है। विशेषार्थ देखते हैं आगे। जीवंदर कुमार का शरीर मन के पहले ही आयुच्याला में पहुंच गया। इस कथन में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति मतलब मैंने अतिशयोक्ति मतलब कभी हम इस तरह की बात कहते हैं ना कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, और कोई विशिष्ट शब्द बोलते हैं कभी अपन, मैं कोई असंभव बात, ऐसा कोई वाक्य बोलचाल की भाषा में आता है, देखो मेरे कंठ तक तो आ रहा है लेकिन जवान तक नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार, उक्ति माने होता है कहना, अतिशय माने चमत्कार, अद्भुत बात, अतिशयोक्ति अलंकार, नहीं होने जैसी बात भी बता देना, ऐसा अलंकार है। अलंकार तो भाषा के प्रयोग है, उक्ति माने कहना, अतिशयोक्ति मन और ज्ञान से वचन और शरीर की गति कभी तेज हो ही नहीं सकती, मन से तेज शरीर और वाणी की गति हो ही नहीं सकती। देखो, हम भी जब आपके बीच में बोल रहे हैं ना लगातार नॉन स्टॉप, तो उससे कई गुना तेज मन की गति चल रही, कई गुना तेज, एक वाक्य निकलता है तो 10 वाक्य दिमाग तक आकर के वहीं रुक जाते हैं, अगला वाक्य क्या निकलेगा, माने बिना विचार किए हुए थोड़ी ना निकलते हैं, बात कुछ की कुछ थोड़ी ना निकलती है। हाँ, जब सिद्धांत की बात बतलाई जाती है तो यही कहा जाता है कि तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कभी कभी नहीं चाहते हुए भी वचन निकल जाते हैं, नहीं 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 सोचते हुए भी हाँ निकल जाती है। सोच करके आए थे, मना कर दूंगा मैं तो, मना कर दूंगा, मेरे को तो है ही नहीं, मैं जाना ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं ही है, और फिर क्या हुआ, हाँ हाँ ठीक ठीक है, ये क्या हुआ। जितने अपराधी होते हैं वे सब अपराधी इतना निर्णय करके बात करते हैं, सोचते हैं मैं तो कहूँगा ही नहीं, अपराध कबूल ही नहीं करूँगा, और फिर जब किसी बड़े जेलर के पास में चले जाते हैं, उसकी शक्ल देखते ही जवान से निकल जाती है वो बात, सच्चाई, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ ये कह रहे हैं
भाई साहब मन से तेज गति हो ही नहीं सकती है आपकी, वचनों की नहीं हो सकती है, आपके शरीर की नहीं हो सकती। नंदाड्डे के प्रति जीवनधर कुमार का अतिशय प्रेम है, ये बतलाने के लिए ही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे, जीवनधर कुमार स्वयं राजा के माननीय प्रिय दामाद थे। जीवनधर कुमार वे किसी नौकर को आज्ञा देकर नंदाड्य को आयुधशाला से राजमहल में बुला सकते थे अथवा सालों और शिष्यों को भेजकर उन्हें बुला सकते थे, भेज सकते थे। देखना नहीं कौन आया है, ये क्या कह रही है, ये कह रही किसी को देखा है मेरे जैसे को देखा है, आयुधशाला में देखा है, आश्चर्य व्यक्त कर रही है कौन, देखना देखिए बार बार दौड़ करके कौन है। लेकिन मन में उत्साह होता है ना, क्या जैसे मैंने अभी बेटे के आगमन की बात कही, साल भर बाद में आ रहा है परदेश से और आगमन की बात सुने, तो ऐसा नहीं हो सकता दीपेश जी कि आप घर में काम करने वाले सर्वेंट को कह दो कि देखना देखे आया है क्या, खुद ही देखेगा। वो जो उत्साह है ना खुद का, क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्वेंट को भेज देवे, किसी और को आदेश दे देवे, मतलब इतना उत्साह होता है अंदर में, ये उस उत्साह की बात कह रहे हैं। और प्रिय दामाद थे, सब कुछ हो सकता था, राजा जैसे ही थे ना वे किसी नौकर को आज्ञा देकर नंदाड्डे को अयोध्या से राजमहल में बुला सकते थे अथवा सालों और शिष्यों को भेजकर उन्हें बुला सकते थे। स्वयं को शीघ्रता से वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, खुद को दौड़ने की जरूरत नहीं थी, किंतु बंधु प्रेम को की अधिकता के कारण दूसरों के द्वारा बुलाकर लाने की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। राग का स्वरूप ही अद्भुत होता है, अतः जीवनधर कुमार स्वयं अत्यंत शीघ्रता से आयुधशाला में पहुंच गए, जो योग्य ही है, खुद ही पहुंच गए। ये बंधु प्रेम जो है इसकी बात ही कुछ और है, और राग का स्वरूप तो अद्भुत होता ही है। राग में ये जीव क्या क्या नहीं करने को तैयार हो जाता है, क्या प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, ये केकाई का खेल है बतलाऊं। अपने आत्मशक्ति का विचार किए बिना ही वो हिरणी सिंह के सामने चले जाती है, तो हमें बताओ तो सही आखिर कारण क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई शेर का सामना करने की। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम, निज शिशो परिपालनार्थम, हाँ शिशु के मोह में, शिशु के प्रति राग, बच्चे को बचाने के लिए शेर का सामना करने के लिए तैयार हो गई। हम नहीं हो सकते हैं ऐसे, बोलो हम भी तो हो सकते हैं ऐसे, बच्चे के लिए क्या नहीं करने को तैयार हुए, सब कुछ करने को तैयार है। आप सोचिए, आपको ये कहा जाए प्रवचन सुनने के लिए आना है, तो आपने कहा नहीं जरूरी मीटिंग है, मैं आ नहीं पाऊंगा, बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं आ नहीं पाऊंगा। और अब हम आपसे कह रहे हैं, बोलो बच्चा गिर गया सीढ़ियों में फिसल कर, आप पहले मीटिंग में जाएंगे कि उसे लेकर के डॉक्टर के जाएंगे, हैं? नहीं नहीं, मीटिंग की वजह से तो आपने प्रवचन छोड़ दिया था, हैं? प्रवचन तो बहुत दूर हो गया, माने वो जो प्रीति है, वो जो राग और मोह का परिणाम है, गोता गिर गया, बोलो बोलो क्या करोगे जैन साहब, अरे मंदिर तो फिर कल चले जाएंगे, अरे मीटिंग मीटिंग तो कोई बात नहीं हो जाएगी, ये पहले है, अटैक आ गया, बोलो बच्चे को आ गया, पिताजी को आ गया, पहले डॉक्टर के लेकर के भागोगे कि पहले दूसरे का कुछ करोगे। रोड पर चलते चलते भी किसी व्यक्ति ने समझ लो आपकी गाड़ी पर पत्थर फेंक दिया, क्या दीपेश जी, पत्थर से ग्लास टूट गया पीछे का, कांच टूट गया, और पिताजी को अटैक आया है और डॉक्टर के लेकर के भाग रहे हैं, जा रहे हैं हम, तो पहले पहले रुक करके वो कांच देखेंगे,
दाढ़ी दाढ़ी में कितनी खरोंच आ गई, कितना हो गया, या जिसने पत्थर फेंका है उसको आज जाकर के धमकाएंगे, ये क्या तरीका है? उसको धमकाएंगे हैं, क्या करेंगे? पहले हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल, क्या ये काम पहले दिखाई दे रहा है? ये सारा खेल प्रीति का है, ये सब खेल मोह का है, ममत्व का है, अपनेपन का है, राग का है। राग भाव के कारण ऐसा होता है। राग की तीव्रता क्या क्या नहीं कराती है। राग की तीव्रता में अनर्थ भी होते हैं और राग की अधिकता में ऐसे कार्य भी देखे जाते हैं जो बहुत वात्सल्य और प्रेम के द्योतक दिखाई देते हो। तो दोनों तरह की बातें हैं, माने अच्छे अर्थ में भी हो सकता है और बुरे अर्थ में भी हो सकता है। राग की तीव्रता से बचा लिया और राग की तीव्रता के कारण मार दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन जयपुर, मंगल आरती सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर भरतपुर राजस्थान।